सो गाइस, फिर से आपका भाई आप लोग का सामने आ गया। और आज हम ज्यादा नहीं बात करेंगे क्योंकि वीडियो भी बहुत बड़ा हो गया, इसलिए शॉर्ट से हम बात करके आप लोग को समझा देगा। बटरफ्लाई वाल्व जो हम लोग का सीमेंट का बटरफ्लाई वाल्व है, उसको सफा अच्छा से कैसे करें, कैसे फिटिंग करें, कैसे हम लोग खोले, तो इसी के बारे में आज हम लोग बात करते हैं। तो चलिए पहले उसको हम खोलते हैं। तो गाइस चलिए फाइनली हम इसको खोल देते हैं। कैसे खोलते हैं पूरा अच्छे से देखिए, बिल्कुल स्किप मत कीजिए, स्किप करेगा तो आपका बहुत सारा पॉइंट मिस्टेक हो जाएगा, अच्छे से कर नहीं पाएगा। तो पहले तो हमको जो क्लिप है, क्लिप खोल देते हैं, इसको पहले खोल देते हैं, देखिए कैसे खोलते हैं। देखिए ऑलरेडी मेरा क्लिप खुल गया, क्लिप खुल के इधर नीचे अच्छे से दबा देना, ऐसा नहीं करना दबा, देखिए इसका पूरा नीचे दबा दिया। उसके बाद जो अंदर वाला रबर है ना, ये बाहर खींच लेना, नहीं तो अंदर गिर जाएगा। देखिए मैं फाइनली इसको निकल रहा हूँ, अंदर वाला रबर, ये रबर है, देखा अंदर में सीमेंट का उल्टा जम गया, जो ढला बोलता है वो जम गया है, उसको तोड़ के निकालना पड़ेगा। फाइनल इसको हम इसको बाद में निकलेगा, पहले थोड़ा नट को हम लूज कर देते हैं, सारे का सारा हम नट को लूज कर देते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो जो नट बोल्ट खुलेगा ना, वो नट बोल्ट के साथ, वो बोल्ट के साथ उसी नट को लगा के रख देना, ठीक है। जैसे हम अभी दिखा रहे हैं, जैसे इसको खोल दिया, उसके बाद जो नाट है बोल्ट के साथ हमको दो चार थ्रेड लगा के रख देना, ज़्यादा नहीं, दो चार थ्रेड। फिर इसको सारे बोल्ट ऐसे सेम जो किया पहले वाला सेम ऐसे ही कर देना। ऐसे खोल ले, ऐसे खोल लीजिए पूरा नट, सारा नट जितना है। और गैस और ध्यान देना, इधर जो हम लोग का जो सीमेंट का होवर है ना, इधर हम लोग का अभी तो जैसे अभी रबड़ वाला हथकड़ा नहीं है, लोहे वाला हथकड़ा से मारते, इधर ज़्यादा से ज़्यादा रबड़ वाला ही हथकड़ा यूज करो, क्योंकि जो ऊपर है खराब नहीं होगा जल्दी। फाइनली इसको भी नट खोल देते हैं हम। इसको भी सारा खोल देना, सब नट बोल्ट, ठीक है ना। तो गाइस देखिए, ये जो हम लोग का जो वाल्व है, ये वाल्व का जो लॉक है ना, लॉक को अंदर का तरफ प्रेस करके पाइप को खोलना पड़ेगा, जैसे मैं कह रहा, देखा है ये जो लॉक है अंदर का तरफ प्रेस करके खोलना पड़ेगा। ये अगर खुल जाएगा तो धागा बांधना या बाइंडिंग वायर बांधना, नहीं तो कौन सा किधर पाइप खुल जाएगा, उधर पाइप बांध दीजिएगा, लगा दीजिएगा। तो फाइनली मेरा अब खुल गया है, तो हम इसको अभी निकलते हैं। तो निकलने के बाद दोस्तों बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना, ये जो हम लोग का जो देखा ना सेंसर है, और जो मेल एल्बो है ना 10 mm का, और किसका 8 mm लगा हुआ रहता है, ये 10 mm का जो सेंसर है एल्बो है, ये अच्छे से ध्यान रखना, नहीं तो थोड़ा सा भी हाथ टूटा या चोरा थोड़ा भी चोट लग जाएगा, ये टूट भी सकता है, सेंसर भी खराब हो सकता है। ये अच्छे से ध्यान रख के इसको सफा करना, क्योंकि बहुत सारा मैकेनिकल वाल्व भी खुलता है, देखा है हम, जो अच्छे से ध्यान नहीं देता है जो जाता है, और एल्बो भी तोड़ देता है कभी कभी, सेंसर भी कभी तोड़ देता है, तो अच्छे से ध्यान। और ये जो राउंड है सीमेंट जम गया मेरा बटरफ्लाई वाल्व में, ये अच्छे से क्लीन करना, ठीक है ना, ये पूरा सारा किनारे किनारे अच्छे से क्लीन करना, जो साइड साइड वाला है क्लीन कर देना, तो बाहर साइड ऊपर का क्लीन कर देना। इसको इधर से रबड़ वाले हाथुड़े मारो, लोहा वाला मत यूज करो, जैसे मैं दिखा रहा हूँ, इधर लोहा वाला मत खराब हो जाएगा आपका जाम,
और अंदर अंदर साइड भी अच्छे से सफा कर देना। अच्छे से सफा करो इसे। तो गाइस धीरे धीरे हाथों भी मार देना। इसको जो है ना ज़्यादा प्रेशर से हथौड़ा से मत मारो, क्योंकि ये एल्युमिनियम बॉडी है, ये जो अगर जोर से मार देगा ना टूट भी सकता है, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव एल्युमिनियम है, बहुत ही हार्ड नहीं है, नॉर्मल है, बट ज़्यादा से भी जोर से मार देगा इसको टूट भी सकता है। आपके हिसाब से मारना, क्योंकि एल्युमिनियम फ्रेम है ना। तो गैस मेरा देखिए ऑलरेडी हम सफा कर दिया इसको, और थोड़ा मोड़ा बाकी है, इसको भी हम कर देंगे। देखिए मेरा ऑलरेडी सफा हो गया, ठीक है ना। आप लोग भी अच्छे से सफा कर लीजिएगा, और जो अंदर वाला है ना, ये अंदर में सीमेंट भी जमा रहता है, इसको भी अच्छे से सफा कर दीजिए। मेरा देखिए क्लीन कर दिया हम, ऑलरेडी से क्लीन करके रखा है। तो गैस अच्छे से चेक कर लेना इसका, कहीं जाम तो नहीं हो रहा है ना, हम जैसे जैसे मैनुअली चेक कर लिया हाथ से। ये देखा, देखिए दोस्तों मेरा जैसे पूरा सारे नट बोल्ट है, जिसका बोल्ट के साथ नट उसी का हम लगा के रखा है। तो दोस्तों इसको फाइनली मेरा सफा हो गया, इसको भी लगाते हैं। तो गाइस इसको हम अभी लगा देते हैं, देखिए कैसे लग रहा है। पहले तो एक बोल्ट इधर सामने वाला साइड में, और अच्छे से ध्यान देना, ये जो बीच वाला जो रबर है ना, डबल बिल्कुल रहना चाहिए, तो आपको वाटर ईयर इधर से लिखते रहता है। तो ध्यान रखिएगा जिधर रस्सी बांधा वाला रखा ना, जो बोला था रस्सी बांध के रखा ना, जैसे उसी हिसाब से लगा, उसे मेरा तो याद अभी पहले अंदर वाला लगाएगा, उसके बाद अच्छे से सेट करके जो है लाम हम सेट कर। फाइनली मेरा सेट हो गया, ठीक है। ऐसे आप लोग भी काम करना, बहुत ही साफ सुथरा काम होगा, अच्छे से काम होगा। थैंक यू। सो गाइस मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो मेरा चैनल को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन में अभी दबा देना, क्योंकि हमको मोटिवेशन मिलता है कई अच्छा अच्छा वीडियो बनाने के लिए, आप लोग के पास तुरंत वीडियो पहुंच जाएगा। तो थैंक यू। सो गाइस चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के तरफ, और भी जल्दी नेक्स्ट वीडियो बहुत ही अच्छा वीडियो आने वाला है, जो बहुत दिन से हम बोल रहा था कैलिब्रेशन का वीडियो बनाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो जो डालेगा वही कैलिब्रेशन का वीडियो डालने वाला हूँ बहुत ही जल्दी। तो थैंक यू।